Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our. बहुत जल्दी बेनकाब होगा डिम्पी का चेहरा समर के सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिम्पी और समर, ये दोनों प्यार के बंधन में बंधे और शादी कर ली, मगर डिम्पी का एजेंडा कुछ और ही नजर आ रहा है। समर का तो क्लियर है कि मैंने प्यार किया, मैंने शादी की, अब मैं निभाऊंगा भी। और डिम्पी जो कहती है वो सही है, डिम्पी मेरा बुरा क्यों सोचेगी। मगर ये डिम्पी जो सिर्फ बुरा ही सोच सकती है, सिर्फ अपना ही फायदा सोच सकती है, उसका चेहरा दोस्तों बहुत जल्दी सामने आने वाला है, जो कि बहुत ही घिनौना है। खुद शायद डिम्पी भी अपना ये चेहरा देख के डर जाए। चलिए बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस छोटे से पीरियड में जब से हम डिम्पी को जानते हैं, डिम्पी ने बड़ी तरक्की की है। बदतमीजी का टैग तो उस पर लगा ही हुआ था, अब उस पर साजिश करने वाली औरत का टैग भी लग गया है। आज जो सीन हमने देखा जिसमें डिम्पी समर से बातें कर रही थी, हर एक बात झूठ थी दोस्तों। अपने ही पति के सामने उसकी जो है शक्ल रोने जैसी बनी हुई है पति की, समर की, तब भी वो झूठ बोले जा रही है अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उसको पैसा कमाना है, उसको नाम कमाना है। क्या कह रही थी डिम्पी समर को, आप सबने सुना होगा कि हम दुश्मनों के खेमे में हैं, हम नजर रखेंगे, मम्मी के ऊपर कोई आंच आएगी तो हम ढाल बनेंगे, वगैरह वगैरह। तो क्या डिम्पी वाकई ये कर रही है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। डिम्पी ने तो अंदर से दुश्मन से हाथ मिलाया हुआ है, जो कि समर को नहीं पता है। समर तो डिम्पी की इन बातों में आ गया, जो डिम्पी ने तब बाहर गुरुकुल के बाहर समर को समझाया होगा कि मम्मी का इसी में फायदा है, हम अगर मालती देवी के साथ काम करेंगे, जैसा आज डायलॉग में बोल रही थी, तो मालती देवी की हरकतों पे नजर भी रखेंगे। तो कैसे समझ लिया डिम्पी ने, या डिम्पी तो खैर झूठी बोल रही है, समर ने, कि हम इतने शाने हैं कि मालती देवी की बातों पे नजर रखेंगे? क्या मालती देवी उनके सामने ही अनुपमा के खिलाफ बातें करेगी, या फिर ये जासूसी करेगी? क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे मालती देवी की बातों का? ये गधे समर के दिमाग में नहीं आया कि कैसे डिम्पी हम एक्सपोज करेंगे मालती देवी को, हम दुश्मन के खेमे में जाके नजर रखेंगे। इतनी बड़ी बात डिम्पी बोल रही है तो समर एक सवाल तो पूछ सकता था कि कैसे नजर रखेंगे, काम करेंगे या मालती देवी पे नजर रखेंगे? मगर नहीं, समर को तो जो डिम्पी कहती है वही सही है। और जब ये चीजें होंगी दोस्तों, क्योंकि मालती देवी तो अपने वार करने ही वाली है, और ये वार होंगे और डिम्पी और समर दोनों ही नहीं बता पाएंगे अनुपमा को, क्योंकि इनसे ज्यादा तो नकुल नजदीक है अनुपमा के, इनसे बेहतर तो नकुल है जिसने बहन बनाया और मुंह बोली बहन का साथ देने के लिए तैयार है, उसके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है अपनी ही गुरु मां से। और ये जिसको पेट से जना है अनुपमा ने, उसको अपनी ही घटिया पत्नी की बातें नहीं समझ में आ रही है। तो ये जो डिम्पी है, जो बहुत अपने आप को समझदार सयाना समझ रही है कि मैं ऐसी साजिशें कर रही हूं जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं डिम्पी के पास, क्योंकि अंत हर चीज का होता ही होता है और डिम्पी का भी होगा। एक बार जरूर सुधरेगी मगर फिर से बिगड़ेगी, ये तो चलता रहेगा, मगर एक बार डिम्पी के कान के नीचे सितार बजेगी ही बजेगी, जो बा कहती है, क्योंकि अब ये जो कांड होगा ये समर की तरफ से होगा। क्योंकि जब समर की आंखें खुलेंगी दोस्तों, तब उसको पता चलेगा कि जिसको वो अपना प्यार अपना सब कुछ समझ रहा था, वही तो उसके रास्ते में कांटे बो रही है, वही तो उसकी मम्मी के खिलाफ है। और जो टैग डिम्पी को एहसान फरामोश बदतमीजी ये वो मिले हुए हैं, उसमें एक धोखाधड़ी का टैग भी ऐड हो जाएगा, और ऐसी धोखेबाज बीवी को कहां समर रख पाएगा? कैसे होगा इनका रिश्ता स्मूथ, कैसे बढ़ेगा आगे? तो ये सारे सवाल इस रिश्ते पे आज का एपिसोड देखने के बाद उठते ही उठते हैं, क्योंकि डिम्पी समर को साफ साफ झूठ बोलती नजर आ रही है। उसने सिर्फ समर को समर की तरह समझा दिया है कि हम ऐसा करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी वो करने वाली नहीं है। क्या कहते हो इसके बारे में आप, कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.